इसमें कौन सा कोई गलत काम हो रहा है जो इसे बैन किया जाए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बहुत फाशी है इसमें। बहुत से ऐसे जो नकारा बच्चे हैं ना वो इधर इन्वॉल्व हो गए हैं टिकटॉक में। वो नौजवान जिसके 10 मैट्रिक में 1050 नंबर होते हैं, जब 11वीं में आते हैं वालदैन उसे मोबाइल ले कर देते हैं, 11वीं में जाकर देखो तो उनकी 2 सैपलियाँ आ जाती हैं। बाकी सारे रंग फिक्के फिक्के लगते, तेनू जो पसंद यही पौनियां, मैं ना तेनू चौनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उज़ैर अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ज़ाविया टीवी। जी आज हम बात करेंगे कि टिकटॉक आपको पसंद है या नहीं, और आप अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए और हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? हबीबुर्रहमान। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हबीबुर्रहमान साहब आप बताएं कि ये टिकटॉक पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बहुत फाशी है इसमें। टिकटॉक में बहुत फाशी है, नई नस्ल ख़राब हो रही है टिकटॉक से। इसके क्या नुकसान नज़र आ रहे हैं? नुकसान हैं, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखते हैं, वो टिकटॉक पे बेहुदा तस्वीरें आती हैं, बेहुदा मूवियाँ आती हैं, बेहुदा मजाक आते हैं, इसलिए ये बंद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद है। जी अहमद कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? जी शुक्र है अल्लाह पाक का। जी अहमद आपको टिकटॉक पसंद है कि नहीं? नहीं मुझे नहीं पसंद, बहरहाल मेरे कदनों को बहुत पसंद है। जी आप क्या रीज़न है आपको टिकटॉक नहीं पसंद? टिकटॉक नौजवानों को सीमत उनकी ख़राब कर देती है, उनको गलत डायरेक्शन पर ले जाती है। जो चीज़ नौजवान देखते हैं टिकटॉक पे उसी जगह लग जाते हैं, बगैर किसी वजह के वो उनका दिल करने लग पड़ता है, वो उसी जगह पर लग जाते हैं और टिकटॉक ही बनाना शुरू कर देते हैं कि स्टार बन जाएंगे। वो नौजवान जिसके ट्रक में 1050 नंबर होते हैं, टिकटॉक जब 11वीं में आते हैं वालदैन उसे मोबाइल ले कर देते हैं, टिकटॉक चलाते हैं तो 11वीं में जाकर देखें तो उनकी 2 सैपलियाँ आ जाती हैं। जी आपके ख्याल से ये पाकिस्तान में चलनी चाहिए कि नहीं? नहीं चलनी चाहिए, ये बेशुमार बच्चों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या नाम है आपका? मेहरान अली। मेहरान अली कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपको टिकटॉक पसंद है? जी पसंद है। ये क्या रीज़न है आपको टिकटॉक पसंद है? यही उसमें ज़रा फीलिंग वगैरह, बंदा मस्ती माहौल में थोड़ा सा अपने आप को खुद एंटरटेन करने के लिए। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत ने बोला कि ये बैंड कर देंगे, तो ये बैंड होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, इसमें कौन सा कोई गलत काम हो रहा है जो इसे बैन किया जाए, या फिर कुछ इसका कोई इशू होना कि इस वजह से बैन कर रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? माज। माज कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माज ये आपको टिकटॉक अच्छी लगती है? ये अच्छी लगती है। क्या रीज़न है ये आपको अच्छी लगती है? नहीं फेमस है, वैसे अच्छी है इसलिए चलाता हूँ, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ टिकटॉक, एंटरटेनमेंट के लिए चलाता हूँ। जी जी। वैसे तो ये बैंड होनी चाहिए पाकिस्तान में कि नहीं? जैसे सलाद और ये सब नहीं है, बैन ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? आसिम रशीद। जी आसिम कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी आप सुनाएं? ठीक है। जी आपको टिकटॉक पसंद है कि? टिकटॉक दोनों 50-50 आ जाता है। एक तो जैसे ये बहुत सा टैलेंट है, इससे टिकटॉक से सामने आया, काम फजूल है। बाकी बहुत से ऐसे जो नकारा बच्चे हैं ना वो इधर इन्वॉल्व हो गए हैं टिकटॉक में, अदाकारी अच्छी कर लेते हैं, इनका टैलेंट एक सामने आ जाता है, आवाज़ गुलकारी के हवाले से भी आवाज़ सामने आ जाती है, उस हवाले से देखा जाए तो अच्छी चीज़ है। तो ये पाकिस्तान में बैंड होनी चाहिए कि नहीं? नहीं पाकिस्तान में तो बैंड होनी चाहिए। बस पाकिस्तान में बैंड क्यों होनी चाहिए? बैंड इस वजह से होनी चाहिए कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और बच्चों का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है और सिर्फ ध्यान इधर ही है टिकटॉक की तरफ। बच्चों का पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, फिर बच्चे टाइम पढ़ाई को दे ही नहीं सकते। वो अगर इस काम की तरफ आ जाएं तो एक तो उनका वो पढ़ाई का वक्त ज़ाया होता है, टोटली टाइम वो टिकटॉक को दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? मुर्तज़ा। मुर्तज़ा कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको टिकटॉक पसंद है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या रीज़न है ये आपको नहीं पसंद? बस नहीं अच्छा लगता, फाशी है, सारी बेतुकी सी बातें हैं। तो ये पाकिस्तान में बैंड होनी चाहिए कि नहीं? हर हाल में होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? बाबू। बाबू क्या करते हैं आप? ये डेकोरेशन का काम है हमारा। जी ये आपको टिकटॉक पसंद है कि नहीं? पहले तो पसंद था स्टार्टिंग में, लेकिन अब नहीं है। तो ये आपको दिखा सकता हूँ ये क्या और क्या नहीं है। फिर तो हम लोग भी ये यूज़ करते थे, इस्तेमाल भी करते थे, लेकिन ये कि आज तक हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो तो कभी नहीं अपलोड की। लेकिन ये कि अब ये जो सूरत हाल है इसके हवाले से अगर देखा जाए तो बंद होनी चाहिए।